लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कभी कभी ऐसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है जो हमारे दिमाग को हिलाकर रख देती है। बिहार में एक आदमी को विषैले सांप ने काट लिया। सांप के काटे जाने के बाद एक आदमी ने अपने पत्नी की कलाई पर दांत काट लिया। उस आदमी की आखिरी इच्छा थी कि वह अपनी पत्नी के साथ मरे। इसे पूरा करने के लिए उसने भरपूर प्रयास भी किए। संयोगवश ऐसा संभव नहीं हो सका और महिला बच गई। गल्फ न्यूज के रिपोर्टों के अनुसार उस आदमी को नहीं बचाया जा सका। बीर सिंहपुर गांव के निवासी शंकर राय को सोते वक्त एक जहरीले सांप ने काट लिया। नींद खुली और उसकी स्थिति नाजुक होने लगी। हालात खराब होते देख वे इमोशनल हो गया। जल्द ही उसे लगने लगा कि उसकी हालात खराब हो रही है और अब वह नहीं बच पाएगा, तो उसने अपनी पत्नी अमीरी देवी की कलाई को काट लिया। उसका कहना था कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और इस दुनिया से वे साथ जाना चाहते हैं। अपनी पत्नी को दांत काटने बाद दोनों बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में ही दोनों अस्पताल गए, जहां शंकर की मौत तुरंत हो गई। डॉक्टर अमीरी को बचाने में कामयाब रहे।